समाप्त होने पर है, गणेश चतुर्थी आने को है, तो गणेश जी के स्वागत के लिए हम और क्या बनाएंगे, मोदक बनाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए आम के मोदक लाई हूँ, फ्रूटी मोदक। जाते जाते आम का सीजन है, हमने आम के मोदक बनाए हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है, बड़ी इजी है। कोकोनट पाउडर डाल के बनाएंगे तो और भी अच्छी लगेगी। हालांकि मैंने इसे सूजी से बनाया है क्योंकि मेरे घर में कोई भी कोकोनट पसंद नहीं करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस रेसिपी को जरूर बनाएंगे, गणेश जी के भोग लगाएंगे, सभी दोस्तों को परिवार वालों को खिलाएंगे और आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आइए हम अपने आम के मोदक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक आम को काट कर उसकी प्यूरी बना लेंगे। एक पैन में आधा कप सूजी लेकर हम उसको रोस्ट करेंगे। लगातार स्टर करते हुए हम उसको रोस्ट करेंगे, छोड़ देंगे तो वो कहीं से गहरी और कहीं से हल्की हो जाएगी। हल्का सा सूजी का कलर चेंज हो जाए और वो रोस्ट हो जाए तो हम उसको एक बाउल में उतार लेंगे। अब उसी पैन में हम अपनी मैंगो प्यूरी को डालेंगे और इसको स्टर करते हुए सेकेंगे। जैसे ही ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी हम इसमें चीनी डालेंगे और चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने तक मिक्स करेंगे। मैंने इसमें चीनी डाली है, आप अगर मिल्क मेड हो तो उसका प्रयोग करें, उससे थोड़ा और क्रीमी टेस्ट आ जाएगा। मेरे पास आज है नहीं मिल्क मेड, तो इसलिए मैंने इसकी जगह चीनी डाली। अभी हम इसमें बादाम और पिस्ता का पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सब मिक्स हो जाएंगे तो जो सूजी हमने रोस्ट करके रखी थी उसको हम इसमें डाल लेंगे और सबको आपस में मिक्स करके थोड़ा सा और सेक लेंगे। अब हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे और उसमें इसको अच्छी तरह से मिला के वापस से सेक लेंगे। अब ये दूध इस टाइम इसमें मिला के सेकने से थोड़ा सा मावे का सा टेस्ट आ जाएगा। ये हमारा मिक्स जैसे ही सिक जाएगा ये पैन को देखिए अपने आप छोड़ने लगेगा। तो अब हमें हमारा मिक्स तैयार है। बाउल में हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे और एक चम्मच इलायची पाउडर और दो तीन बूंदे ऑरेंज कलर की डाल रही हूँ क्योंकि आम का रंग थोड़ा सा हल्का पीला है तो गहरा रंग होने से थोड़ा सुंदर लगेगा। ये गणेश चतुर्थी आने को ही है इसलिए मैंने आज ये मोदक की रेसिपी लाई हूँ आपके लिए। तो ये मैंगो मोदक बनाने भी बहुत आसान है और इसकी जगह आप कोई भी दूसरे फ्रूट को यूज़ कर सकते हैं, पर अब ठीक है आम जा रहा है तो आम का मैंने बनाया है आज। तो ये बहुत ही आसान है, फटाफट बन जाता है और ये जो इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं ये सब घर में थे। हाँ, सूजी की जगह आप कोकोनट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मोल्ड को थोड़ा घी से ग्रीस कर लेंगे और मिक्सचर थोड़ा सा लेके बॉल सी बना के बीच वाले पर डालेंगे और प्रेस कर देंगे। मोदक को दोनों साइड से क्लोज कर देंगे और प्रेस कर लेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे, जैसे कि आप लोग भी मोदक बनाते ही हैं जानते हैं। मोदक मोल्ड के नीचे के साइड से और जो साइडिंग्स हैं उन सब में जो एक्स्ट्रा पार्ट इसका निकल के आया है उस सबको रिमूव कर लेंगे और फिर धीरे से मोल्ड को खोल के केयरफुली मोदक को डीमोल्ड कर लेंगे। इसी तरह सारे मोदक तैयार कर लेंगे। वैसे आप इसको सूजी की जगह अगर कोकोनट पाउडर से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और नट्स भी थोड़े ज़्यादा डाल लें। मेरे घर में ये प्रॉब्लम है कि किसी को कोकोनट पसंद नहीं है और नट्स तो बच्चे बहुत ही कम खाते हैं, इसे मैंने पाउडर की तरह पीस के डाला है। आप उसको चॉप करके बारीक और फिर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इन मोदक पे बरक लगाया है, सिल्वर फॉयल जिसे कहते हैं, और साथ में पिस्ते से सजाया है और गुलाब की पत्तियों को काट कर लगाया है। खैर, आप किसी भी तरह से सजा कर पेश कर सकते हैं। फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं पर वो भी आज मेरे पास नहीं।
अब गणेश चतुर्थी आने ही वाली है, आप इस रेसिपी को बनाएं, गणेश जी के भोग लगाएं और अपने सारे परिवार को एक प्रसाद खिलाएं। फ्रूटी मोदक, ये है फ्रूटी मोदक जिसमें हमने आम से बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये रेसिपी जरूर अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।